तो साथियों, अगर आपके मोबाइल फोन में लूडो पार्टी एप्लीकेशन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, कोई टेक्निकल ग्लिच आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, या फिर ये एप्लीकेशन ओपन ही नहीं हो रहा है आपके मोबाइल फोन में, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे ले सकते हो। वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखना है, तभी जाके आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ में आएगा। चलिए सबसे पहले हम इस पर बात कर लेते हैं कि ये इशू आता क्यों है, ये प्रॉब्लम आती क्यों है भाई। तो यहाँ पे देखिए, जब भी हम किसी भी एप्लीकेशन का अपने मोबाइल फोन में लगातार इस्तेमाल करते हैं तो काफी समय बाद उसकी जो स्टोरेज होती है वो बढ़ जाती है और हम इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, जिससे कि हमारा मोबाइल फोन भी हैंग करना शुरू हो जाता है और इसकी भी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो काफी ज्यादा स्लो हो जाती है। तो इसलिए आपको सिंपल तरीके से करना क्या है, यहां पे जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपको करना है, यहां पे सिंपली आपको करना क्या है, इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे टैप किए रहना है। जैसे आप टैप किए रहोगे तो आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन आने वाले हैं, पहला आएगा ऐप इन्फॉर्मेशन, दूसरा आएगा डिलीट। डिलीट का मतलब वही अनइंस्टॉल, सिंपल तरीके से आपको अनइंस्टॉल नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है क्योंकि क्या फायदा आपका इंटरनेट फालतू में वेस्ट चला जाए। यहाँ पे आपको ऐप इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। ऐप इन्फॉर्मेशन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ ऑप्शन आएगा स्टोरेज यूसेज, सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ आपकी कैच मेमोरी बताएगा, यहाँ पे आपकी कैच मेमोरी मेरी 16 KB है, आपकी काफी ज्यादा बता रहा होगा, सिंपल तरीके से आपको क्लियर कर देना। जैसे आप क्लियर कर दोगे यहाँ पे इस तरीके से क्लियर डेटा भी आपको कर देना है। जैसे आप क्लियर डेटा कर दोगे साथियों, तो अब ये एप्लीकेशन आपके लिए बिल्कुल नया हो गया है। यहाँ आपको द्वारा से इस एप्लीकेशन में लॉग इन होना है, उसी मोबाइल नंबर से, उसी मेल आईडी से। अंदर से आपका कोई भी डेटा नहीं जाएगा, कोई भी रिकॉर्ड नहीं जाएगा, आपको परेशान नहीं होना। बहुत से लोग सोच रहे होंगे भाई कहीं ऐसा तो नहीं मेरा रिकॉर्ड चला जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, लेकिन आपको सेम मोबाइल नंबर से आपको लॉग इन होना पड़ेगा। सिंपल तरीके से आपको साथियों लॉग इन हो जाना है और लॉग इन होने के बाद अब आपको इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना है। बहुत अच्छे तरीके से ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन में चलने वाला है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।